हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम एक और टॉपिक करने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया का, जो कि है स्वराज इन गुडैम हिल्स। आंध्र प्रदेश का जो है, वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उनका स्वराज का मतलब क्या था और उन्होंने रिवॉल्यूशन कैसे किया, तो वो देखेंगे। तो गाइस, जैसे कि पता है कि अभी ऑल इंडिया लॉकडाउन चल रहा है, तो आई होप आप लोग घर पे ही होंगे और इस टाइम का अच्छे से फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी ही मौका है अपना प्रिपरेशन और अच्छा करने का, बाकी बच्चों से और अच्छा इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, फैमिली के साथ रहो और घर पे ही रहो, तो सेफ़ रहो और बाकी सबको भी आप सेफ़ रखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, इसके लीडर कौन थे वहाँ उसके बारे में देखेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, जो जिन्होंने लीड किया था वहाँ रिवॉल्यूशन को, तो उनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। In the Gudem Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920, not a form of struggle that the Congress could approve. इसका मतलब क्या है कि वहाँ के जो tribal peasants थे वो महात्मा गांधी के आइडिया को कैसा इंटरप्रिट किए, उनको कैसे क्या समझ में आया, उनका स्वराज का मतलब क्या था, ठीक है। वो अलग वे में था, उनका स्वराज का मतलब जो था वो अलग वे में था, ठीक है। तो उनका मतलब क्या था कि वहाँ के जो गुदैम हिल के जो ट्राइबल पीपल थे आंध्र प्रदेश में, वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो नहीं कर रहे थे, उसके जैसा ही, उससे इंस्पायर होके, महात्मा गांधी से इंस्पायर होके वो एक अलग मूवमेंट कर रहे थे जिसका नाम था गुरेला मूवमेंट, ठीक है। और जो 1920 में हो रहा था, और मतलब ये जो मूवमेंट था उसको कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो सिर्फ महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर वहाँ के लोग जो थे वो ये कर रहे थे, और उसका लीड जो कर रहे थे वो थे सीताराम, अल्लूरी सीताराम जी। तो वहाँ पर जो स्वराज का मतलब था वो क्या था, तो देखते हैं। हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड large forest areas. Preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel woods and fruits. This enraged the hill people. Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अदर फॉरेस्ट, जैसे कि दूसरे फॉरेस्ट के रीजन में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, वो लोग फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर देते थे, ठीक है, वहाँ पर प्रिवेंट करते थे लोगों को एंटर करने से, रोकते थे लोगों को एंटर करने से, तो और फॉरेस्ट में उनको जाने नहीं देते थे, उनको उनके जो कैटल्स हैं उनको ग्रेस करने के लिए नहीं मना करते थे वो लोग, और फ्यूल वुड्स या कोई लकड़ी ये सब इकट्ठा करने के लिए, फ्रूट इकट्ठा करने के लिए वो लोग फॉरेस्ट का यूज़ करते थे वहाँ के जो ट्राइबल थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो बैन कर दी थी, मतलब उनको जाना बंद कर दी थी, उनको अलाउ नहीं करती थी फॉरेस्ट में जाने के लिए। तो उनका स्वराज का मतलब यही था कि उनको अपना फॉरेस्ट जो है उसमें जाने से रोका ना जाए, और ये उनका एक राइट है कि उनको फॉरेस्ट में जाने दे, ये वो लोग के लिए ये उनका राइट था, हक था, तो वो उनको मिले, ये था उनका स्वराज का मतलब। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो मना करती थी, तो इससे क्या होता था, दिस एनरेज द हिल पीपल, एनरेज यानी कि उनको नाराज़ कर दिया, ठीक है, वो नाराज़ हो गए इस चीज़ से, और इससे क्या हुआ, उनका लाइवलीहुड तो इफ़ेक्ट हुआ ही, साथ में क्या हुआ कि उनको लगने लगा कि हमारा ट्रेडिशनल राइट जो है वो छीना जा रहा है, वो हमको दिया नहीं जा रहा है,
ठीक है, तो इसलिए वो लोग रिवॉल्यूशन करने लगे। When the government began forcing them to contribute bigger for road building, the hill people revolted. मतलब कि जब गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो उनको फोर्स करने लगी कि आप रोड बनाओ हमारे लिए, तो बेगार करवाने लगे। बेगार का मतलब मैंने समझाया भी है, जो फ्री में काम करवाते हैं, ठीक है, तो बेगार करवाने लगे, तो हिल पीपल क्या किए, वो रिवोल्ट चालू कर दिए, रिवॉल्यूशन करना वो लोग स्टार्ट किए। द पीपल हु केम टू लीड देम, अब जो जो पर्सन था जो लीड करने के लिए आया था, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर था, बहुत इंटरेस्टिंग थे। वो कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू, जो क्लेम डैट ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स। वो क्या क्लेम किए? वो ये बोले थे कि मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल पावर्स हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस। वो क्या बोले थे कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि भविष्यवाणी कर सकता हूँ, जो ज्योतिषी भविष्यवाणी होता है ना, वो मैं कर सकता हूँ, और मैं पीपल को हील कर सकता हूँ, लोगों को ठीक कर सकता हूँ। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, वो बंदूक की गोलियाँ भी ले सकता है, ठीक है, उसको वो भी उसको कोई नुकसान नहीं कर सकती, वो फिर भी सर्वाइव कर सकता है, वो अपने बारे में ऐसा बताते थे। कैप्टिवेटेड बाय राजू, यानी कि राजू से अट्रैक्ट होते हुए, ठीक है, अट्रैक्ट होते हुए जो रिबेल्स थे, यानी कि जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, जो ट्राइबल पीपल थे, वो प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो वो ये मानने लगे कि वो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये एक जो राजू है, अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं, वो एक इनकारनेशन है गॉड के, मतलब कि ये गॉड के अवतार हैं, ठीक है, वहाँ के लोग उनको ऐसा मानने लगे। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, तो राजू ने जो महात्मा गांधी का जो महान जो काम वो कर रहे हैं उनके बारे में बताया। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन्होंने कहा कि वो इंस्पायर हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। एंड परसुएडेड पीपल, और उन्होंने वहाँ लोगों को कहा कि आप खादी पहने और ड्रिंकिंग गिव अप करें, क्योंकि ड्रिंक करने से क्या होगा कि ब्रिटिशर्स का जो सामान है उसको मतलब बॉयकॉट कर दो, ठीक है, वो ये कहने लगे इनडायरेक्टली, खादी पहनो और ड्रिंक करना छोड़ दो। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड डैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस, लेकिन साथ में उसने ये भी चीज़ पे दबाव डाला कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस तभी मिलेगा जब वो फोर्स का यूज़ करेगी, सिर्फ नॉन वायलेंस से इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, वो ऐसा भी बोलते थे। द गुदम रिवेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने इसका इनके जो बातों को मानते हुए वहाँ के लोग क्या किए, अटैक करने लगे पुलिस स्टेशन में, और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को किल कर दिए, मार दिए, और फिर गुरिल्ला वारफेयर उन्होंने चालू कर दिया, मतलब कि वॉर, एक तरह से वॉर चालू कर दिया कि उनको स्वराज मिल सके, है ना। राजू वॉज कैप्चर्ड, तो फिर क्या हुआ, लास्ट में राजू को कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड, यानी कि उनको हैंग कर दिया गया, फांसी दे दिया गया 1924 पे, एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो। उसके बाद वो वहाँ के फोक हीरो बन गए। फोक हीरो मतलब कि जैसे अभी कोई उनकी याद में बोलते हैं ना कि ये हीरो थे उस टाइम के, उनको याद किया, जैसे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनको अपन याद करते हैं, एक हीरो के तौर पे देखते हैं, तो वैसे ही उनको भी एक हीरो के तौर पे माना गया। तो ये अल्लूरी सीताराम का स्टैचू है, तो ये उस तरह इस तरह के मतलब वेशभूषा में रहते थे कि मतलब उनको कोई साधु संत, उनको देख के लगता था कि हाँ इनके पास हो सकता है कि पावर हो, है ना, ये गॉड के अवतार हो। ये है उनकी पिक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक थे, कैरेक्टर थे जो जिनके बारे में क्वेश्चन आता रहता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।